नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने एटीएम का पिन भूल गए हैं, एसबीआई का एटीएम है और आप उसका पिन भूल गए हैं, तो आप बिना बैंक जाए कैसे पिन को खुद से रीसेट कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे या 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, 10 मिनट में आपको नया पिन हो जाएगा और आप उस पिन से लेन देन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रांच कहीं और होता है और हम कहीं और रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे एटीएम का पिन अगर हम भूल जाते हैं, तो इस स्थिति में आप इस तरह से अपने एटीएम का नया पिन ले सकते हैं। आप घर पे भी है तो भी आप अपना नया पिन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है एसबीआई का नया पिन जनरेट कर सकते हैं, अगर आप एसबीआई एटीएम का पिन भूल चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक मैसेज करना होगा एक नंबर पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको मैसेज करना है। यहाँ पे जाइए और आपको मैसेज में जो है आपको 5676 76 पे मैसेज करना है, 5676 76 पे। और मैसेज में आपको क्या टाइप करना है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है PIN, पिन लिखना है कैपिटल में, उसके बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद आपको अपने कार्ड का लास्ट वाला जो है 4 डिजिट वो डालना है, और उसके बाद अकाउंट का लास्ट वाला 4 डिजिट डालना है, और उसके बाद जो सिम आपके मतलब खाते से रजिस्टर है, जो आपके बैंक में आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसी नंबर से आपको मैसेज भेजना होगा। और जब आप मैसेज को भेज देंगे उसके बाद आपको जो है एटीएम पिन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप मैसेज कर देंगे उसके बाद थोड़े मतलब 5-10 मिनट के अंदर ही आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ओटीपी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके एटीएम का पिन हो गया 1576, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये पिन जो है 24 घंटे के लिए वैलिड है, तो आपको जो अपने मतलब नज़दीकी एटीएम पे जाके इस पिन को चेंज कर लेना होगा। अगर आपको नहीं पता कि पिन कैसे चेंज करना है, तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को देख लीजिए, और उसमें मैंने आपको लाइव जो है चेंज करके दिखाया कि पिन को कैसे चेंज करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।